जैन साथियों, मैं प्रिया छा एंड होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर कमिंग एग्जामिनेशंस। तो मैंने टेलीग्राम पे पॉल डाला था आप लोगों के लिए कि बिहार दरोगा की तैयारी जीरो से घर बैठे करके किस तरह से हम फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना फाइनल सिलेक्शन कंफर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं तीन पार्ट में बात करूँगी, ठीक है, किस तरह से आप देखो। पहली चीज़ तो मैं क्लियर कर दूँ, बिहार दरोगा और इसके इक्विवेलेंट जितने भी एग्जामिनेशंस हैं आप बिना किसी कोचिंग के क्लियर कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो है आपका फेथ, यानी आपके आपको अपने ऊपर विश्वास रखना ही पड़ेगा। दुनिया आप पे विश्वास करे ना करे कोई मायने नहीं रखता है, आपको अपने पे विश्वास है तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन फाइनल होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में तीन पार्ट्स में बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपके पास आपके टेबल पे कौन कौन सी बुक एनी टाइम होनी चाहिए जिससे आपको पढ़ना है इन एग्जाम्स को निकालने के लिए। और ये चीज़ें आप घर बैठे भी मंगा सकते हो, दुकान से खरीद सकते हो या ऑनलाइन किताबें मंगा के पढ़ सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि आखिर तैयारी शुरू कैसे करें, ठीक है ना। स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है ना, मैं अपनी ही बताऊंगी, किसी और की सब तो हमने तो भी शुरुआत की है ना यार, जीरो से हमने भी शुरू किया होगा, कोई ऐसा तो नहीं पहले से ही सब कुछ दिमाग में। हम सब एक जीरो से ही शुरुआत करते हैं। मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, बीएससी भी मेरी माइक्रोबायोलॉजी में हुई, तो मेरा आर्ट्स से कोई वास्ता नहीं था, ठीक है। तो मैं आर्ट्स से इतनी भागने वाली स्टूडेंट थी कि ट्वेल्थ के बाद ही, मतलब टेंथ के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था भाई मैं आर्ट्स से जल्दी छोड़ दूँ, किस तरह से मेरा टेंथ के बाद ही आर्ट्स छूट जाए। तो मैंने ट्वेल्थ में साइंस ले लिया था, ठीक है। लेकिन आज मैं वही हूँ कि मुझे जो प्यार और जो लगाव आर्ट्स से है मुझे साइंस से उतना नहीं है अब, ठीक है। साइंस ज़रूरी हमारे जो है लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आर्ट्स हमें ह्यूमैनिटी सिखाता है, हमें एक दूसरे के साथ सोशलाइजेशन सिखाता है, जो हमारे जीने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। तो इसीलिए हाँ, तो ये हो गया सेकंड पार्ट की। मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको पढ़ना किस हिसाब से है, कि आप अगर पढ़ाई करने बैठे हो तो अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन कर पाओ, क्योंकि दिक्कत आएंगी। इसलिए दिक्कत आएंगी क्योंकि हम जब भी कोई नई चीज़ करते हैं ना तो मुश्किलें आती हैं, लेकिन जब उन चीज़ में हम रेगुलर होते जाते हैं ना तो दिक्कतें जाती जाती वापस चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती है वो दिक्कतें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में दिक्कतें आएंगी, इनसे कैसे टैकल करना है सेकंड पार्ट वीडियो की सेकंड पार्ट में बात करेंगे। थर्ड पार्ट में वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से फ्री रिसोर्सेज हैं जहाँ से आप अपनी तैयारी को एक अच्छा लेवल दे सकते हैं, जहाँ से आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, कोचिंग की क्या ज़रूरत है जब इतने फ्री रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ठीक है। तो चलिए पहले पार्ट पे बात कर लेते हैं कि कौन सी बुक्स के रिक्वायरमेंट है हमें इस एग्ज़ाम के लिए, जो हमें अपने टेबल पे रख लेनी है ला करके, ठीक है। तो बुक्स को फिर मैं दो पोर्शन में बांटूंगी, थ्योरी पोर्शन और ऑब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है। पहले हम बात करेंगे थ्योरी बुक्स पे कि थ्योरी में हमें कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, ठीक है। तो थ्योरी पोर्शन कवर करने के लिए हमारे पास लूसेंट, क्राउन, एक वन लाइनर किताब होनी चाहिए। अब मेरा क्या फंडा था, मैंने कैसे पढ़ा था, मैंने लूसेंट से कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, क्राउन से कुछ टॉपिक पढ़े थे। इसके रिगार्डिंग मेरे पे मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि मैंने किससे क्या करा था। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि लूसेंट से मैंने केवल और केवल जनरल साइंस और मिसलेनियस कवर किया था, ठीक है। और क्राउन से मैंने कवर किया था आपका हिस्ट्री, मैंने क्राउन से किया था, ज्योग्राफी मैंने क्राउन से किया था, और पॉलिटी को मैंने क्राउन से नहीं किया था। मैं पॉलिटिक क्योंकि मेरा मास्टर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है, तो मैंने उस वक्त लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ रखी थी, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियन पॉलिटिक सब्जेक्ट है, तो ऑलरेडी वो मैं लक्ष्मीकांत से कवर कर चुकी थी, तो पॉलिटी मेरा ऑलरेडी था। तो मैंने इससे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी मैंने क्राउन से कवर कर लिया, ठीक है। और मैंने लूसेंट से जनरल साइंस और मिसलेनियस कवर कर लिया, इस तरह का मेरा डिवीज़न था। अब लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि हमें लूसेंट ज़्यादा पसंद है, तो वो अपने पसंद के हिसाब से चल सकते हैं। दूसरी एक वन लाइनर बुक, ठीक है, वन लाइनर बुक जो आपकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, किरण प्रकाशन की किताब है, इसका जो है मैंने फोटो टेलीग्राम पे भी आपको भेज दिया है और ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख लीजिए। ये वन लाइनर बुक जो है ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, डायग्रामेटिक फॉर्मेट में, इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी खासियत है कि ये आपकी इंग्लिश में भी अवेलेबल है, क्योंकि जब भी मैं बुक्स बताती हूँ तो मेरा टारगेट इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी रहते हैं। क्योंकि देखिए, अब सिर्फ जो है हिंदी माध्यम के बच्चे नहीं सिर्फ आज के समय में दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, आज के समय में एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो है इंग्लिश मीडियम का भी तैयारी में आ चुका है।
उनको बुक्स में थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है, तो वन लाइनर के लिए इसकी किरण प्रकाशन की किताब जो है वन लाइनर की इंग्लिश में भी ये आपको एनसीईआरटी बेस्ड अवेलेबल है। एक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह, ये कम्प्लीटली हिंदी में है, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो इसके साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई किताब की बात, इन्हें करना कैसे है थ्योरी, और फिर थ्योरी में अब आप ये मैंने आपको किताबें बताई इन्हें करना कैसे है। एक किताब आप ले लेंगे लूसेंट की या क्राउन की, दोनों में से एक पकड़ लेंगे, एक वन लाइनर लेके चलेंगे, ठीक है। इस तरह से चलना है। अब हम करेंगे अब ऑब्जेक्टिव की, हमें कौन कौन सी किताबें लेनी। ऑब्जेक्टिव में मात्र चार किताबें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब वो चार किताबें कौन सी, घटना चक्र सब्जेक्ट वाइज पूर्वलोकन, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बुक है ये, ठीक है ना। इसमें आपको इसको आप घटना चक्र को कहोगे कि आप इतनी मोटी मोटी किताबें नहीं, वो इतनी मोटी उनकी उनका जो है ना ये मत देखो कि इतनी मोटी किताबें, उन्हें किस तरह से शॉर्ट स्पैन में आप कंप्लीट कर सकते हो इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो डाल दी है, ठीक है ना। ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे, आप उसको देखिए कि किस तरह से आप शॉर्ट स्पैन में घटना चक्र को एकदम खत्म कर दोगे, ठीक है, पढ़ के। तो आपके पास कौन कौन सी घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव बुक होनी चाहिए, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की और जनरल साइंस की। ये चार किताबें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जनरल साइंस, ये चार किताबें आपके टेबल पे घटना चक्र की होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हो गया, अब मैंने थ्योरी और ऑब्जेक्टिव बताया अलग अलग, क्या टेंडेंसी रहा मेरा इसे बताने का। ये टेंडेंसी है कि आप क्या करेंगे, जब आपने थ्योरी पोर्शन पढ़ लिया, लूसेंट या क्राउन एक पढ़ना है, ठीक है, उससे कवर कर लिया उस पोर्शन को, फिर आपने उसका वन लाइनर पढ़ लिया, अटैच कर दिया, ठीक है। अब वन लाइनर एड ऑन करने के बाद क्या हुआ, अब हम आ गए ऑब्जेक्टिव, उसी वक्त उस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव लगाना है, क्योंकि इससे क्या होगा ना, जो भूलने की जो आप लोग कहते भूल जाते वो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो चार टाइम हो जाएगा इस तरह से, उस एक टॉपिक को आपने चार टाइम पढ़ लिया, ठीक है। जो क्वेश्चन उस वक्त ना बने उनको आप हाईलाइट कर दोगे, सर्किल आउट कर दोगे, बाद में रिविजन के टाइम को आपको काम आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है, समझ में आएगी कौन सी किताबें पढ़नी है आपके टेबल पे होनी चाहिए, ये बात खत्म होगी। पार्ट टू में अब हम बात करते हैं कि हमें तैयारी करनी कैसे, अभी तो हमारा लेवल जीरो है, ठीक है, हम इसे शुरुआत कैसे करें, हमें पता चल गई बुक हमारी कौन सी चाहिए, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देखेंगे। अब देखो मैंने प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो है वो आपको मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, सिलेबस मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर रखा है, आप सिलेबस और पहले प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जरा सा तसल्ली से देखो पहले, ठीक है ना। नई नई तैयारी है, जीरो हैं हम अभी, तो हम देखेंगे ना, तो कुछ तो जाएगा हमारे दिमाग में, तो जब हम अपनी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव बनाना चालू करेंगे ना, तो हमें पता चलेगा अरे किस क्वेश्चन से जो है ना क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें कुछ आइडिया लग जाएगा। अब हम तैयारी की शुरुआत सब्जेक्ट कौन सी पकड़ेंगे, इस पे मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, क्योंकि वो बहुत डिटेल में है और इतनी ये इस वीडियो में इतना डिटेल में करने में वीडियो फिर लॉन्ग हो जाएगा, तो आप उसमें देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे शुरुआत करें कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहे। तो मैं इन शॉर्ट में फिर भी बता दे रही हूँ, हिस्ट्री से आप मॉडर्न इंडिया से शुरुआत कीजिए कभी भी, क्यों, क्योंकि मॉडर्न इंडिया क्या हमारा रीसेंट हिस्ट्री है, उसको पढ़ने में हमारा जो इंटरेस्ट बनेगा ना, तो वो क्या करेगा ना, इंटरेस्ट हमें क्या करना, पहले तो बैठने की आदत लगानी है पढ़ने की, क्योंकि अभी हमारा लेवल जीरो है, अभी हम भागना ज़्यादा चालू करेंगे, भागने की प्रयास ज़्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू बैठ के पढ़ना। तो हम टॉपिक ऐसे चुनेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट आए, और हमें अपना इतिहास जानने में जब स्टोरी वाइज तरह से पढ़ेंगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फिर मॉडर्न इंडिया के बाद आप एंशियंट और मिडिवल कर लेंगे, फिर आप आ जाएंगे ज्योग्राफी या पॉलिटी में से कोई एक सब्जेक्ट चुन लेंगे, ठीक है। तो ज्योग्राफी करने के बाद फिर पॉलिटी, फिर आप आएंगे इकोनॉमी को भी हम लास्ट में करना है, फिर अब हम आएंगे जनरल साइंस पे। जनरल साइंस में भी सबसे पहले हमें बायो को करना है, फिर आप केमिस्ट्री फिजिक्स में चूज कर सकते हैं किसको आपको पहले करना है, ठीक है। इस तरह से हमारा जनरल साइंस कवर होगा, क्यों, क्योंकि मैं देखो मैं बता रही हूँ कि हिस्ट्री और जो जनरल साइंस है इनका वेटेज इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा और बीपीएससी में बहुत ज़्यादा है, तो हमें और जनरल साइंस में भी स्पेशली बायो का वेटेज अकेले फिजिक्स और केमिस्ट्री के इक्विवेलेंट है, इसीलिए हमें बायो पे फोकस ज़्यादा करना है। हिस्ट्री हमने सबसे पहले पढ़ ली, उस पर फोकस हमारा ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब हमने इकोनॉमी के लिए मैंने एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया, उसको आप हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसमें क्या है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेसिफिक जितनी चीज़ें बताई गई, जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो उस पीडीएफ में इंक्लूड कर दी गई हैं, ठीक है, आप उस पीडीएफ को देख लोगे। हाँ, अब हम बात करते हैं कि वीडियो के थर्ड पार्ट में कि वो फ्री के रिसोर्सेस कौन से हैं, ठीक है, जहाँ से आप अपनी तैयारी को एक अलग लेवल दे सकते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आता, नहीं मन करता, भाई हम बैठ ही नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए,
कोई नहीं, आप वीडियो से चालू करिए अपनी पढ़ाई। एडुटेरिया के प्लेलिस्ट खोलिए, मॉडर्न इंडिया से स्टार्ट कर दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, सुनने में भी मज़ा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो सर के वीडियो से आप उनका प्लेलिस्ट निकालिए, उनका हिस्ट्री कर दीजिए, वहाँ से ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, उन्होंने एनवायरमेंट को, बिहार स्पेशल को, हर कोई बच्चा ठीक है ना, एडुटेरिया से कवर कर लें, क्योंकि उसमें जो बताया गया ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार दरोगों के लिए वो सफिशियंट है, ठीक है। तो उतना बिहार स्पेशल सर की वीडियो से, प्रवीण सर की वीडियो से करके ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। और इंटरेस्ट भी आपका आ गया, आपको सुनने भी मज़ा आया, सुन सुन के लेक्चर भी हमने ख़त्म कर दिया। अब बात आती है कि मैथ्स और रीजनिंग की लोग बात करते हैं, मैथ्स और रीजनिंग के लिए देखिए मंजीत सर अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स डालते हैं, आप मंजीत सर की वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि मैंने मंजीत सर की वीडियो से ही। और बाकी रही बात कि मैथ्स, मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोगों का मिला जुला के ठीक ही रहता है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की इतनी टेंशन लेने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि मेंस में आएगा, ठीक है। प्री में तो बहुत कम पोर्शन है, बहुत कम, मेंस में आएगा तो उतना हाई लेवल भी नहीं आता है, ठीक है, मीडियम रहते हैं क्वेश्चन के लेवल, तो उतना बन जाएंगे, क्योंकि आपको सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना मैथ्स में क्वेश्चन तो बनते हैं, टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत होती है, लेकिन हमें यहाँ तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन की संख्या कम है, तो मैथ्स के क्वेश्चन प्राय बन जाएंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस कर लेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जो मैथ्स के पूछे गए हैं उनसे, ठीक है। उससे ना क्या होगा ना, क्लैरिटी आ जाएगी कि किस टाइप के मैथ्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मंजीत सर के चैनल पर प्रीवियस ईयर्स मैथ्स के क्वेश्चन कवर किए गए हैं, आप उसको सुन लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हिंदी को कहाँ से किया जाएगा, तो हिंदी एक तो चलो मेंस में आती है, लेकिन हिंदी में क्या है ना, अगर आपने हिंदी क्वालिफाई, हिंदी में बड़े लोग डिस्क्वालीफाई करते हैं, हिंदी को हल्के में नहीं लेना है कभी, है ना। तो हिंदी को आप, नितिन सर एक ही एकमात्र मतलब जो बेस्ट टीचर है यूट्यूब पे हिंदी के लिए, वो स्टडी 91 के नितिन सर हैं, आप उनसे हिंदी कवर करिए। और मैंने तो उनकी PDF परचेज की थी, बट मैं लिटरली बता रही, मैंने PDF एक भी दिन नहीं पढ़ा, क्योंकि उनकी वीडियो में इतना मज़ा आता है, मुझे लगा कि कभी सोच भी नहीं सकती कि हिंदी भी इतना ज़्यादा मतलब कोई अच्छे से पढ़ा सकता है, इतना इंटरेस्टिंग वे में वो हिंदी को पढ़ाते कि मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो हिंदी भाषा आप कवर कर लेंगे इजीली। तो ये बात होगी कि जीरो लेवल से घर बैठे फ्री रिसोर्सेज से हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं यूट्यूब पे प्रिपरेशन के लिए, जिस तरह से हमारे GS मास्टर सर हैं, उन्होंने, जिन्हें नहीं समझ में आता हम कैसे अपना रूटीन चालू करें, तो GS मास्टर को आप उनके बैक चले जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि वो डेली टॉपिक देते थे, आप उस तरह से अपने आपको डेली उन टॉपिक्स को थ्योरी पढ़िए और ऑब्जेक्टिव बनाइए, इस तरह से करके निपटाते चलिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।